केरल में बाढ़ से अब तक 41 लोगों की गई जान। इडुक्की डैम का बढ़ा जलस्तर। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट। कोरोना मामलों में गिरावट लगातार जारी। 8 महीने बाद आए सबसे कम केस। 24 घंटे में मिले 13,058 नए कोरोना के मामले। आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व। पीएम और राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। पीएम ने की देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कसी कमर। मिशन यूपी पर फिर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कर सकती हैं ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर से दक्षिण तक मौसम का कहर देखने के लिए मिल रहा है। उत्तराखंड में आज लगातार तीसरे दिन भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं केरल में आज बांध खोले जाने की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। वहीं केरल के 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड की और केरल में, किस तरह से दोनों ही जगह पर कुदरत का कहर देखने के लिए मिल रहा है। दुखद खबर ये है कि केरल में बाढ़ और बारिश से अब तक मरने वालों की संख्या 41 हो चुकी है। वहीं दक्षिण ही नहीं उत्तर में भी कुदरत ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में हालात पहले से और ज्यादा खराब हो सकते हैं और इसीलिए पिछले 24 घंटे में 150 किलोमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश ने नैनीताल की खूबसूरती को जैसे पानी में समा दिया है। नैनी झील का पानी पहली बार नैना देवी मंदिर के अंदर तक पहुंच गया है और झील के पानी यहां से पैदल आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी दे रहा है। ऐसे में मूसलाधार बारिश की वजह से नैनीताल में जबरदस्त लैंडस्लाइड भी शुरू हो चुकी है। पूरे राज्य के हालात पर नजर रखने के लिए देहरादून में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कंट्रोल रूम के जरिए राहत और बचाव के काम का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और केंद्र सरकार से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ये चार धाम यात्रा को भी रोक दिया गया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप उत्तराखंड और केरल की, किस तरह से कुदरत का कहर दिख सकता है और ऐसे में भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में नदियां कितने उफान पर हैं ये देखा जा सकता है। बीच नदी में एक गाड़ी भी फंस गई। जलस्तर क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जेसीबी की मदद से गाड़ी को निकालने की कोशिश की गई। वहीं केरल में देख सकते हैं किस तरह से भारी बारिश तबाही मचा रही है और केरल में अब तक 41 लोगों की जान भी जा चुकी है। चलिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से उत्तराखंड में भारी बारिश लगातार 3 दिन से पड़ रही है और अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार जारी किया गया है, अभी उत्तराखंड के हालात कैसे हैं? बिल्कुल, मौसम विभाग के जो अलर्ट था उसके बाद प्रशासन जरूर हरकत में आया था और देखा गया था कि जिस तरीके से प्रशासन ने चारधाम यात्रा को रोका गया था और इसके बाद ही जो महत्वपूर्ण मार्ग थे जिन रास्तों में लैंडस्लाइड सबसे अधिक होता है, चाहे वो ऋषिकेश से कड़प्रयाग लाइन हो या फिर कहा जा सकता है बद्रीनाथ धाम के लिए जो मार्ग जाता है ऑल वेदर का, इन रास्तों में सबसे ज्यादा खतरा था क्योंकि इन पर कार्य प्रगति पे चल रहा था और इस वजह से जो पहाड़ है वो लगातार दरक भी रहे थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है प्रशासन अलर्ट मोड पे था, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे यात्री थे जो बीच में फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल सुभाष, कई जगह से तस्वीरें भी ऐसी आ रही हैं कि कई नदियों में गाड़ी फंसी हुई है, जो चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे थे वो रास्ते में फंस गए हैं। जी बिल्कुल, चार धाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु ऋषिकेश से आगे निकल गए थे उन लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही थी और ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार बरसात के चलते प्रशासन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन वहीं अगर जनपद चमोली और जनपद नैनीताल के, तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान बरसात के कारण हुआ क्योंकि ये देखा गया कि कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ,
कई स्थानों में भूस्खलन के चलते जो मकान थे वो क्षतिग्रस्त हुए। कुल मिला के कहा जा सकता है एक बड़ा नुकसान मानसून जाते हुए प्रदेश में करके गया है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सरकार ने राहत राशि इन लोगों के लिए निर्धारित की है। सरकार चाहती है कि जो जिला अधिकारी हैं उनके स्तर पर जो जांच कमेटी है वो बैठे और जिनको भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। साथ ही जो लोग अभी भी फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बिल्कुल सुभाष, जिस तरह से लगातार बारिश उत्तराखंड में हो रही है और बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं, कई लोगों की जान भी गई है, ये जानकारी भी मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, क्योंकि मौसम विभाग के 2 दिन का अलर्ट था और ये कहा जा सकता है कि आज कहीं ना कहीं जो मौसम का अलर्ट था वो खत्म हो चुका है। मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, चाहे वो मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए या फिर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से 2 दिन से आफत वाली बारिश प्रदेश में देखी गई और उसके बाद जो खामियाजा प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ा उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी चिंता जरूर सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि सरकार और जो प्रशासन है वो किस तरीके से मदद उन लोगों की करता है। लेकिन खास तौर से अगर नुकसान और की बात करें तो जनपद चमोली में सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि देखा गया कि बरसात के चलते जो यात्री बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहे थे उनकी गाड़ी सड़क से गिरकर नीचे खाई में गिर गई, जिसके बाद SDF की मदद से उन लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन कहा जा सकता है कि प्रशासन जरूर मुस्तैद था लेकिन क्योंकि बरसात का समय, यानी कि सुभाष पहाड़ी इलाकों पर ज्यादा नुकसान हुआ है मैदानी इलाकों से ज्यादा? जी बिल्कुल, खासतौर से क्योंकि बरसात का सबसे अधिक जो नुकसान है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है और खासतौर से उन क्षेत्रों में जो कि दूर दराज के क्षेत्र हैं, अलर्ट वाले क्षेत्र हैं, जैसे चमोली जनपद की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग जनपद की बात कर ली जाए, कुमाऊं में अगर बात कर ली जाए तो नैनीताल पिथौरागढ़ जैसे जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ कनेक्टिविटी की बहुत अधिक परेशानी, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान देखने को मिला है। जी चलिए सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। 2 दिन का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था भारी बारिश को लेकर। ऐसे में बारिश तो जम कर पड़ी लेकिन लोगों के लिए मुसीबतें इस बारिश ने खड़ी कर दी। साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से बारिश की वजह से गाड़ी नदियों में फंस गई और नदियों का जल स्तर तो लगातार बढ़ा ही हुआ है। हालांकि पूरी व्यवस्था को देखने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया ताकि इस कंट्रोल रूम के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके और हर जो जानकारी है वो उस कंट्रोल रूम में आ सके। इसके देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की थी। साथ ही केंद्र सरकार से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में जो भी समस्या होगी, जो भी मदद चाहिए होगी वो देगी। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना मामलों में लगातार गिरावट जारी है और आपको बता दें कि लगातार 5वें दिन कोरोना केस की संख्या घटी है और 8 महीनों बाद सबसे कम नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। ऐसे में मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताज़ा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 13,058 नए कोरोना के केस आए जबकि 164 कोरोना संक्रमितों की जाँच चली गई है। वहीं आपको बता दें कि 19,470 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि 6,576 एक्टिव केस कम हो गए हैं। ऐसे में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,40,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,52,484 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक 3 करोड़ से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और ऐसे में देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम हो चुकी है और 1,83,118 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। आज ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है और इस त्यौहार को 12 वफात भी कहा जाता है। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोग ये पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को ईद ए मिलाद उन नबी की बधाई दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों को बधाई दी और लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में कि मिलाद उन नबी की बधाई, चारों ओर शांति और समृद्धि हो, दया और भाईचारे के गुण
जोन हमेशा कायम रहे। ईद मुबारक। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाई बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर पैगंबर मोहम्मद के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली के लिए और देश के लिए सुख शांति बनाए रखने के काम करें। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मिलाद उन नबी के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं, हम करुणा शांति और भाईचारे की भावना से निर्देशित हो, ईद मुबारक। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कसकर सियासी मैदान में डटी हुई हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक चुनाव से पहले एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिख रहे हैं। पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कई अहम कार्यक्रम करने में जुटी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर जनता का भरोसा जीतने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अब साफ कर दिया है कि वो 2022 चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ेगी। आपको बता दें कि लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा भी प्रियंका कर सकती हैं। सूत्रों की माने तो दो दिन बाद करीब 50 टिकटों की घोषणा में इस ऐलान पर अमल होता दिखेगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंच रही हैं और आज 1 बजे के करीब प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच चुकी हैं और चुनाव को लेकर तैयारियां भी काफ़ी जोरों शोरों से चल रही हैं। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सूत्रों के हवालों से ये जानकारी मिल रही है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी चुनाव में टिकट के बंटवारे में 33% महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी कुछ ऐलान कर सकती हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो कर रही हैं। चुनावी माहौल है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ करने वाली हैं प्रियंका गांधी आज? पारुल, देखिए प्रियंका गांधी रात में ही पहुंच गई थी और तकरीबन 1 बजे के समय बताया गया है कि 1 बजे में वो बैठेंगी और जितने भी कांग्रेसी हैं वो सारे लोगों के साथ बैठ के एक बैठक करने वाली है जी। और निश्चित तौर पर चुनावी मुद्दे जरूर होंगे क्योंकि रणनीति तैयार करने के लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में लगातार इसका प्रियंका गांधी का दौरा हो रहा है लखनऊ का, खासतौर से अपने कार्यकर्ता और जितने भी कांग्रेसी लोग हैं सारे लोगों के साथ बैठ के बैठक करेंगी। बताया भी जा रहा है कि वो अभी एक दिन और लखनऊ में रुक सकती है क्योंकि आज के दिन वो 1 बजे जब प्रेसवार्ता करेंगी तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि अचानक उसके ऐसे लखनऊ में पहुंचना और कांग्रेस लोगों के साथ बैठक करना आखिर मुद्दा क्या रहा और प्रेसवार्ता शुरू करेंगे। बिल्कुल रूबी, कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में टिकटों का जो बंटवारा होगा उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा आज प्रियंका गांधी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, अभी सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है कि जो इस बार का जो टिकट बंटवारा है उसमें खास तौर से महिलाओं को खास तौर से तवज्जो दिया जाएगा कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी अभी भी लखनऊ में कई ऐसे इसके जो समूह के जो लोग हैं महिलाएं हैं उन लोगों के साथ उन्होंने 10 बजे से बैठक शुरू करी है और उसमें उनकी बातचीत चल रही है। तवज्जो तो जरूर दिया जाएगा इस बार महिलाओं को पार्टी में क्योंकि पिछले बार भी अगर हम टिकट बंटवारे की बात करते हैं तो महिला सीट को लेकर काम देखने को मिला था, लेकिन इस बार प्रियंका का ये मानना है कि अगर पार्टी को फिर से बढ़ना है, फिर से निकाल के बाहर रास्ते में आना है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का साथ जरूर होना चाहिए और ऐसे में लगातार वो महिलाओं के साथ भी कई प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है और अब महिलाओं को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर भी वो विचार विमर्श कर रही है क्योंकि अभी जो 1 बजे तक की जो बैठक है उसमें सभी लोगों से वो राय मशवरा करेंगी क्योंकि अभी लखनऊ में कुछ टाइम पहले भी वो जब वो आए थे तो उन्होंने एक कोर कमेटी बैठक करी थी, उस कोर कमेटी में भी ये बात रखी गई थी कि इस बार महिलाओं को ज्यादा खास ध्यान रखा जाए। तो ये बिल्कुल रूबी, यानी कि इस बार महिलाओं को टिकट देने में जो 33% आरक्षण की प्रियंका गांधी आज घोषणा कर सकती हैं तो नारी शक्ति का संदेश देने की वो कोशिश कर रही हैं कि नारी शक्ति इस बार आगे बढ़कर आएगी और महिलाएं भी इस बार उतनी ही ज्यादा चुनावी मैदान में नजर आएंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी की भी बात करते हैं तो बीजेपी भी महिलाओं को लेकर खास फाइट कर रही है,
खास योजनाएं दी है महिलाओं को लेकर, उसी ही तर्ज पर अगर हम बात करते हैं तो अब कांग्रेस भी उस राह से निकल पड़ी है। क्योंकि प्रियंका गांधी भी ये उसकी राय थे कि जब भाई अमेठी भी जब पहुंची थी तो उसमें भी उन्होंने वहां से लोगों से बातचीत करी थी, वहां की महिलाओं से उन्होंने एक बैठक करी थी, उसमें उन्होंने कहा था महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और पूरी बातों एक घर संभालती महिलाएं तो वो क्यों नहीं सत्ता में आ सकती है, उनको आगे निकल के जरूर आना चाहिए। अब निश्चित तौर पर इस पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी खास रुख अपनाएंगे क्योंकि महिलाओं को आगे करने के लिए, और आज यही एक ऐलान हो सकता है कि महिलाओं के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं जहां पर 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा भी प्रियंका कर सकती हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि करीब 2 दिन बाद 50 टिकटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों से प्रवासी मजदूरों और बाहरी लोगों पर आतंकी हमले और ज्यादा बढ़ गए हैं। आतंकवादी चुन चुन कर हत्याएं कर रहे हैं और कश्मीर में 5 अक्टूबर के बाद से 5 प्रवासियों की हत्या हो चुकी है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है और प्रवासी मजदूर डरे हुए हैं और लोगों का जम्मू कश्मीर से पलायन शुरू हो गया है। हालांकि सामान्य तौर पर सैकड़ों मजदूर सर्दियों शुरू होने और दीपावली के त्योहारों पर अपने घर लौटते हैं, अब राज्य में हिंसा बढ़ जाने से वो पहले ही ने वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हत्याएं ऐसे समय पर हो रही हैं जब कश्मीर में राजनेता बीजेपी सरकार पर कश्मीर के बारे में शांति के झूठे आख्यान बनाने का आरोप लग रहे हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर घोषणा पत्र ने अपने बयान में यह कहा है कि शांति की बीजेपी की कहानी में कोई भी सच्चाई नहीं है। हिंसा के ताजा दौर से ये साबित हो गया है और हिंसा की वजहों को लेकर एक तर्क में अफगानिस्तान के घटनाक्रमों की बात भी उठाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से ये आतंकी संगठन यहाँ पर प्रवेश करते हैं और अफगानिस्तान में तालिबान का राज होने के बाद से ही पाकिस्तान हताशा में है और इसीलिए वो कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ाने में जुटा हुआ है। चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से देखा जाए कई दिनों से कश्मीर में किलिंग टारगेट किलिंग हो रही है और ऐसे में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद से पलायन भी शुरू हो चुका है और इसमें अब राजनीति भी काफ़ी ज़ोरों से की जा रही है। देखिए दोस्तों, सॉल्व जिस तरह देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे आतंकी घटनाएं बढ़ी है, उसी तरह से लोगों के अंदर भी दहशत का माहौल बना हुआ है और इसी को देखते जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके अंदर इस चीज का डर है कि कहीं 1989 का कोई दौर उनके 1989 के दौर से उनको ना गुजरना पड़े, क्योंकि उस समय पे भी यही हुआ था जब आतंकी घटनाएं बढ़ी थी तो उसमें भी काफी लोगों ने वहां से पलायन किया था और उसमें ज्यादातर देखा गया था कि गैर मुस्लिम लोग थे। इसी को देखकर के लोगों के अंदर बहता तो वहां से निकलने के प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम भी खुले तौर पर इस चीज की धमकी भी दी जाती है कि जो गैर मुस्लिम है वो वहां से जम्मू कश्मीर छोड़कर चला जाए, और इससे अगर उन्हें लगता है कि जैसे आए दिन आप देख रहे हैं कि हत्याएं लगातार वहां पर हो रही है, आतंकी घटनाओं का अंजाम वहां पर दिया जा रहा है, हालांकि हमारी सेना किसी तरह से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन बावजूद उसके भी जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो वहां पर दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, उस तरह के लोगों को ऐसे दौर में दहशत से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि आतंकी इस चीज में किसी को इस समय नहीं देख रहा है, जिससे कि बोखलाहट आतंकियों के सामने आ रही है उससे साफ तौर पर देखा जाता है कि ये साफ तौर पर देखा था कि आतंकी इस समय वहां पर बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है जो मजदूर जो प्रवासी वहां से पलायन कर रहे हैं ज्यादातर बिहार के लोग हैं, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि त्योहार के सीजन से पहले अक्सर वहां के मजदूर जो हैं अपने अपने घर जाते हैं, क्योंकि अभी देखिए दिवाली का सीजन है, दिवाली आने वाली है 10 से 12 दिन बाद, और उसके बाद बिहार का जो सबसे ज्यादा बड़ा त्योहार है वो छठ है, तो ऐसे में क्या वो मजदूर जो अपने घर इसीलिए जा रहे हैं या फिर यही बड़ी वजह है कि जिस तरह से आतंकी घटनाएं वहां पर बढ़ रही हैं? देखिए इसको दोनों तरह से देखा जाना चाहिए पारुल, क्योंकि देखो त्योहारों का टाइम है तो त्योहारों के टाइम पर लोग घर भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है त्योहार इसी बार आ रहे हैं, हर साल त्योहार आते हैं, लेकिन जिस तरह आतंकी घटनाएं वहां पर हो रही है इसका भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है।
क्योंकि घर तो उनको जाना ही है, लेकिन ऐसे दौर में जब काम उनको वहां पर नहीं मिलेगा और काम करते वक्त उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो इस तरह कैसा आप मान लोगे इसको कि वे त्योहारों को लेकर अपने घर जा रहे हैं? त्योहारों का मौसम तो हर बार आता है, हर साल आता है, तो इस तरह की जो घटनाएं वहां पर देखने को मिल रही है, जिस तरह का नजारा वहां देखने को मिल रहा है, ये नजारा वाकई दहशत का माहौल क्रिएट करता है वहां पर, और इसी को लेकर लोग वहां से निकल रहे हैं। क्योंकि इस पर सियासत को अगर देखी जाए तो चारों तरफ से राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन आतंकी घटनाएं वहां पर रुकेगी कैसे? इससे तो कोई जिम्मेदार आदमी वहां पर किसी भी तरह से अमल करने के लिए वहां पर तैयार नहीं है। बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि देखिए सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीति खूब हो रही है, सरकार को घेरा जा रहा है कि 370 हटाने के बाद सरकार ने ये वादा किया था कि वहां पर अब जम्मू कश्मीर में शांति ही नजर आएगी, लेकिन अब जो विपक्ष है वो सरकार को घेर रहा है कि सरकार ने शांति के झूठे वादे जनता से किए थे, क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो एकदम उल्टे नजर आ रहे हैं। देखिए धारा 370 की अगर बात करूँ तो पारुल ये कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि एक अच्छा एक्सेप्ट सरकार का था, धारा 370 अगर वहां से हटाई गई तो आतंकी घटनाएं जरूर कहीं ना कहीं वहां पर कम हुई है, और इसी का ये नजारा है कि आतंक को भी इस चीज की बौखलाहट है कि वहां पर धारा 370 हटा दी गई है। जहां तक बात विपक्ष की है तो विपक्ष की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष को तो एक बैठे बैठे राजनीतिक मुद्दा मिल गया है। ऐसा नहीं है कि इस समय पर धारा 370 हटाने का असर इस पर लोगों पर नहीं हुआ, लोगों का रोजगार भी बढ़ा है, लोगों के अंदर दहशत भी कम हुई है, लेकिन आतंकी किस तरह उखड़े हुए हैं कैसे, इस पर अगर सियासत की जाए तो मुझे लगता है ये देश हित में नहीं है, और इस पर राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोग अगर मौत पर राजनीति करेंगे तो ये देश के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। जी चलिए प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बीते कई दिनों से ये आतंकी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए टारगेट किलिंग अब की जा रही है, इसीलिए प्रवासी मजदूरों में काफ़ी डर बैठ गया है, और प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, वो अपने अपने राज्य लौट रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसीलिए ये तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्य में लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में इस महीने की शुरुआत से ही गैर स्थानीय लोग आतंकवादियों के निशाने पर हैं। यूपी बिहार से लेकर कश्मीरी पंडितों तक की आतंकियों ने हत्या कर दी है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर केंद्र सरकार की करीब से नजर है, और ऐसे में आतंकी आम नागरिकों को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय पूरी स्थिति को काफी करीब से मॉनिटर कर रहा है, और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे की शुरुआत 23 अक्टूबर से हो रही है, जिसमें वो मनोज सिन्हा, डीजीपी, आईबी, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और सीपीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा मामलों की समीक्षा करेंगे। हालांकि गृह मंत्री का ये दौरा केंद्र सरकार के आउटरीच प्रोग्राम के तहत हो रहा है। इस प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार के 70 मंत्रियों को अलग अलग समय में जम्मू कश्मीर के इलाकों का दौरा करना है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब गैर स्थानीय लोगों को टारगेट कर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं दौरे से पहले सोमवार को अमित शाह ने आईबी दफ्तर में देश भर के सभी राज्यों के डीजीपी के साथ आंतरिक सुरक्षा पर बैठक की है, और गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहले ही सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, जो कि एनआईए के भी डीजी हैं, उनको भी भेजा जा चुका है। इसके अलावा आईबी, एनआईए, सीएफपीएफ के कई वरिष्ठ अधिकारी पहले से ही जम्मू कश्मीर में कैंप कर रहे हैं, और आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग आतंकी मुठभेड़ों में 23 से ज़्यादा आतंकियों को एंटी टेरर ऑपरेशन में साफ कर दिया है। इसके चलते ही आतंकियों में बौखलाहट है, यही वजह है कि आतंकी टारगेटेड किलिंग को करके लोगों में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वहीं बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के चलते सीमा पार से आतंकी घुसपैठ भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से दहशतगर्दों की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो पीओके में आतंक के नए ट्रेनिंग कैंप 20 की संख्या में खोले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी कमांडोज ट्रेनिंग दे रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि आतंकी एलओसी के पास 35 लॉन्च पैड भी इकट्ठा कर रहे हैं, जिनका मकसद घुसपैठ करना है।
मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थन में याचिका दायर की है और आरोपियों के मौलिक अधिकारों का हवाला दिया है। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एनवी रमना से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की है और आगे इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। ऐसे में शिवसेना नेता ने अपनी याचिका में आगे लिखा है कि इस ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।